फॉर मैक्सिमम मिनिमा, सेकंड एग्जांपल। देर इज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, उसको डिवाइड करना है इनटू टू चार्जेस, एंड इस तरह से डिवाइड करना है सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, राइट? सो टोटल चार्ज प्रोवाइडेड इज 10 कूलम, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज एजम्पशन ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन शुड हैव वन वेरिएबल, देन पहला डेरिवेटिव चाहिए 0, दूसरा डेरिवेटिव इफ इट इज लेस देन 0 देन मैक्सिमा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम है। ओके चलो, सो 10 कूलम्ब शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू चार्जेस। तो पहला वाला चार्ज तो पता नहीं है, तो उसको एज्यूम करेंगे एक्स। सेकेंड चार्ज इज ऑल्सो अननोन, तो उसको एज्यूम करेंगे वाई। बट एक्स प्लस वाई कितना चाहिए? टोटल चार्ज प्रोवाइडेड इज 10, सो एक्स प्लस वाई इज 10, ठीक है। तो वॉट शुड बी मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? सो जिसको मैक्सिमम करना है या फिर जिसको मिनिमम करना है, दैट इज द फंक्शन। सो यहाँ पे वी आर सपोज टू मैक्सिमाइज फोर्स, फोर्स को मैक्सिमम करना है, देयर फॉर फोर्स इज द फंक्शन। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस में फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सम कॉन्स्टेंट्स इंटू फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज। वॉट इज दिस कॉन्स्टेंट? दिस इज 1/4π ε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। एक्चुअल फॉर्मूला इज वॉट? 1/4π ε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ऑल अदर पैरामीटर्स आर कॉन्स्टेंट, देयर फॉर उनको क्या लिखा है? C। सो दो चार्जेस में फोर्स कितना रहता है? वो रहता है इतना, सम कॉन्स्टेंट इंटू Q1 Q2, ठीक है। तो फंक्शन इज इक्वल टू फोर्स, फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू फर्स्ट चार्ज एक्स सेकेंड चार्ज वाई। बट फंक्शन में वेरिएबल्स कितने चाहिए? वेरिएबल्स चाहिए ओनली वन, देयरफॉर आइदर एक्स को रिमूव करना चाहिए या फिर वाई को रिमूव करना चाहिए। वी विल रिमूव वाई, वाई को रिमूव करेंगे। कॉन्स्टेंट नो चेंज रिमेन्स एज इट इज, इंटू एक्स एंड इंटू वाई। बट वाई इज वॉट? वाई कैन बी रिटन एज 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। सो दिस इज फंक्शन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस बिकम्स 10 CX माइनस CX²। सी इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, सी क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, +2 +3 +5 कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, एजम्पशन ऑफ फंक्शन। सेकेंड स्टेप इज वॉट? वन वेरिएबल। थर्ड स्टेप में क्या? पहला डेरिवेटिव निकालना है एंड दैट शुड बी 0। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉन्स्टेंट 10 C एज इट इज, नो चेंज। और एक्स का डेरिवेटिव इज 1 माइनस माइनस C C, एंड डेरिवेटिव ऑफ X² इज 2X। ओके, सो पहला डेरिवेटिव शुड बी 0। सो 10 C माइनस 2 CX इज इक्वल टू 0 बाय कैलकुलेटिंग। फॉर एक्स वी गेट एक्स इज इक्वल टू 10 C अपॉन 2 C।
सो सी को शी क्या हो गया, शी को शी कैंसिल हो गया, सो 10/2 इज 5, 10/2 इज व्हाट, 5। देन व्हेन एक्स इज 5, लिसन केयरफुली, व्हाट इज इट, व्हेन एक्स इज 5, पहला डेरिवेटिव है 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, दैट मीन्स आइदर, लिसन केयरफुली, आइदर फंक्शन इज मैक्सिमम और फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5, और मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, दैट वी विल डिटरमाइन फ्रॉम डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज सेकेंड डेरिवेटिव, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश इज वॉट, 10c का डेरिवेटिव इज 0 बिकॉज दैट इज कॉन्स्टेंट, माइनस माइनस आएगा, 2 × c, 2c आएगा, कॉन्स्टेंट है, और x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव आएगा -2c, सो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, सो एफ डबल डैश दूसरा डेरिवेटिव इज लेस देन 0, मतलब फंक्शन इज मैक्सिमम, मतलब फंक्शन इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, 10 कूलम्ब चार्ज को डिवाइड करेंगे अगर फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज में, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 कूलम्ब तो यहाँ पे आएगा 9 कूलम्ब, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 कूलम्ब तो यहाँ पे आएगा 8 कूलम्ब्स, अगर फर्स्ट चार्ज इज 3 कूलम्ब देन सेकेंड चार्ज इज 9 कूलम्ब, सॉरी 7 कूलम्ब, एंड इफ फर्स्ट चार्ज इज 5 कूलम्ब देन सेकेंड इज ऑल्सो 5 कूलम्ब, 10 कूलम्ब को डिवाइड करना है बिटवीन टू चार्जेस, कैसे डिवाइड करना है, सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, मैक्सिमम आता है व्हेन एक्स इज 5, जब एक्स बनता है 5 तब मैक्सिमम है, मतलब अगर 10 कूलम्ब 5 कूलम्ब और 5 कूलम्ब ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उनके बीच जो फोर्स है वो है मैक्सिमम।